देखो ये क्या हालत कर दी मुफासा ने खूटे की, जो काम अधूरा छोड़ा था हमने वो पूरा। तो भाई 10:30 बजने आ गए सवेरे के और हम अब उठ गए। मुझे तो लगा था सवेरे उठते उठते बहुत दिक्कत हो जाएगी, बैक पेन होगा, हाथ दुखेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी बॉडी को हम लोग ऑलरेडी जिम में इतना टॉर्चर करते हैं, वो उसके सामने ये काम कुछ भी नहीं था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेल्डर भाई तो बाहर आ गए हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, चलो उनको देखते हैं। पूछ रहे थे मुझे बहुत देर से, मैं बोला भाई तुम करो मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। तो अब जाते हैं हम और करते हैं शुरू। तो भाई देखो रूम की हालत तो देखो, और वो भाई वहां बैठे हैं। आज तो हो जाएगा ना पक्का। मेरे को तुमको देख के एक सीन की याद आती है। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ। देखो यहाँ का गेट भी निकल गया, अब सब निकल जाएगा। क्या पड़ गई आपको? हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी हॉलीडेज। कितना मजबूत हो गया है ये, रात में इतना मजबूत था अभी और मजबूत हो गया। देखो कहाँ तलक है, ये पूरा 8 फुट का था अब ये 6 फुट का हो गया, 2 फुट गड्ढा करके डाल दिया हम लोगों ने नीचे। सुल्तान खा रहे हो भाई? सुल्तान को बस ऊपर पत्ती मिल रही है, बाकी नूरा और मुफासा को नीचे मिल रही है। पूरा क्लीन एंड क्लियर, और ये भाई ऊपर चढ़ गए अभी। सही है। तो यहाँ पे लग रही है चराई, जिसके वजह से नुकसान नहीं होगा, मगर ये लोग ट्रेन निकालने की कोशिश करेंगे, हम लोग उसको बांध देंगे, देखते हैं कैसा कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी मुफासा नहीं रहेगा, यहाँ पे दूसरा जानवर रहेगा। देखो भाई चरई लग गई यहाँ पर, नूरा खा रहा है और नूरा अब यहीं पे रहेगा जहाँ पे मुफासा को रखा था हमने। मुफासा अब यहाँ है, अपनी पत्ती खा रहा है, और सुल्तान वहां चला गया, अब सुल्तान वहीं पे रहेगा। दरअसल कल नूरा को जब मैंने वहां रखा तो नूरा को वो जगह कम पड़ रही थी, और जिस तरीके से नूरा सोया हुआ था देखकर मुझे लगा नहीं भाई इसे यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी जगह, इसलिए मैंने उस नूरा को यहाँ डाल दिया। थोड़ा और नीचे होती चराई तो ये रखने की नौबत नहीं आती, मगर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अपने जो वेल्डिंग कर रहे हैं जो भाई है वो चले गए खाना खाने के लिए, मैंने भी अपनी सलाह कंप्लीट कर ली। सलाह 2 दिन से तो मैं एक साथ रात में पढ़ रहा था, मगर अब मौका मिला, काम थोड़ा कम हो गया तो मौका मिल रहा है, वो हिसाब से मैं अपनी सलाह भी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अभी मैं अपनी सलाह कंप्लीट करके आया और बकरों को पानी पिला के बकरे मस्त अभी हरी पत्ती खा रहे आराम से। ये देखो नूरा यहाँ पर है। ब्रेक के बाद वंस अगेन हम लोगों का काम शुरू हो चुका है। कैसा सिंह फंसा के बैठा है देखो, जो गाली कर रहा है। सुल्तान आज सुकून से, एकदम सुकून से सो रहा है, बहुत बढ़िया है उसके लिए। सारे जानवर परेशान हैं और मैं खुद भी परेशान हूँ ये आवाज, ये बिल्डिंग, इससे इंशाल्लाह आज खत्म हो जाए बस। यहाँ पे जो सारा सामान था अब उससे हम यहाँ पे गेट बना रहे हैं वो वाले बैराक के लिए। क्या सोच रहा है भाई, नए जगह पे ना जानवर सेट होने को टाइम लग जाता है यार, ये सुल्तान बहुत नखरे कर रहे हैं। बाकी दोनों नूरा और मुफासा तो खा रहे हैं, मगर ये क्या सोच रहा है एक समझ में नहीं आ रहा। चलो सही है, खाएगा तो अच्छा है, वरना टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। फिर शाम के 6 बजने आ गए और आखिरी मोड़ पर है हम लोग, अब बस आखिरी काम बचे हुए हैं, बस इसकी रेलिंग लगनी है, फिर बाहर की कड़ी और ये वाला जो पैसेज है कवर होना है बस, फिर इनका काम फिनिश। आज ये काम पूरा करके ही छोड़ूंगा मैं इनको। ये तो हमेशा बोलते हैं कि मैं लेट तक करूंगा, मगर रात हो जाती है तो वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है, इसके लिए करने नहीं देता हूँ मैं इनको। चलो आज तो काफ़ी काम हो रहा है, जल्दी भी तो आए थे आप। अभी जुगाली कर रहा था, जैसे रिकॉर्ड किया मैंने वैसे शांत हो गया। वाह भाई सुल्तान, तुमको एटीट्यूड दिखा रहे हो। और यहाँ नूरा बैठा,
आराम कर रहा है, दाना खा लिया और आराम कर रहा है। 7:30 बज रहे और अभी भी काम चल ही रहा है। इस काम के चक्कर में टाइम का भी पता नहीं चल रहा है, मगर ये लास्ट काम है। बाकी छोटे मोटे काम ये बाद में कर लेंगे इनको एक दिन बुलाकर। सही है ना सोनू भाई? हाँ। बहुत बढ़िया। तो फाइनली वेल्डर वाले भाई तो चले गए अपना काम करके, मगर अब हमारा काम बाकी है। मैं थोड़ा बीच में चला गया था, ये जो हमने सारा काम किया उसमें जो स्क्रैप निकला था वो स्क्रैप देने चला गया था मैं। ये वेल्डिंग करवाने में जितना खर्च आया ना उतने का स्क्रैप बिका है हमारा। क्या बात है, अभी तो रेट अप चल रहा है इसके लिए इतने पैसे मिल गए। चलो अभी बहुत सारा काम बचा है, अगर आज काम नहीं करेंगे पूरा तो कल जा नहीं पाएंगे, इसके लिए पूरा काम कंप्लीट करते हैं। अम्मा मैं भी करूंगी। करो मैं भी करो। वेरी गुड। ये देखो मुफासा छूटकर खूंटे पे आ गया है। मुफासा जैसे 10 भी बकरे एक साथ भी अगर वो खूंटे को हिलाएंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, अपना नया जानवर आने से पहले मुफासा ही घस रहा है उसके ऊपर, घसने तो कोई बात नहीं। देखो ये क्या हालत कर दी मुफासा ने खूंटे की, क्या हालत कर दी। जब मुफासा ने ये हाल किया है तो वो क्या हाल करेगा इस खूंटे का। फाइनली हमारी कार की पार्किंग हो गई साफ, कितना सामान था यहाँ पर भाई। चलो हम कार लेके आते हैं। मैं लेके आता हूँ, आप रुको। हाँ क्या हो गया तुम्हारे को, बहुत अच्छे एकदम थक गए तुम। देखो गाड़ी दिख भी नहीं रही है, पिछले एक हफ्ते से गाड़ी यहीं पे खड़ी है। लकड़ी वकड़ी क्या 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 गिरा है भाई, गाड़ी की हालत तो देखो। और गाड़ी साफ नहीं कराने की भी एक वजह थी मेरी, अब इंशाल्लाह कल जाके आने का साफ हो जाएगी। चलो भाई अभी अपने जगह पे लग जाएगी। देखो क्या क्या पड़ा है गाड़ी के ऊपर। फाइनली गाड़ी लग गई हमारी। घर का काम खत्म करके अब हम आ गए गोट रूम में, और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे साफ सफाई। और संजाना भी आ गए हैं, आप हमारा साथ दोगे? यस। सिर्फ जबानी या करके भी? रात के 11:40 हो गए और फाइनली हमारा गोट रूम जो है वो धुल गया है, पूरा साफ हो गया है हमारा गोट रूम। मुफासा फिलहाल यहाँ पर है, फिलहाल देखो सारा के सारा साफ। ये सब जो नए मेहमान की तैयारी थी आज जाकर पूरी हुई। देखो भाई सेम कल वाला ही टाइम हुआ, ये तो 12:25 और हम गोट रूम से आ गए हमारे रूम में, और अब हम खाएंगे हमारा खाना। फाइनली गोट रूम का काम कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है मगर जो जरूरत की चीजें थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई। अभी सुकून लग रहा है, कल से ज्यादा काम नहीं होगा। ज्यादा काम क्या नहीं होगा, कल तो जाना है मुझे। कल हम लोग जा रहे हैं मुंबई, मैं यासर भाई और कलीम भाई, जो काम अधूरा छोड़ा था वो पूरा करने के लिए जा रहे थे हम लोग तो ट्यूजडे को ही, मगर काम भी हुआ नहीं था। कलीम भाई को जाना था ट्यूजडे को तो हम लोग नहीं गए ट्यूजडे को, क्योंकि गोट रूम का काम भी नहीं हुआ था तो मतलब नहीं था जाकर, इसलिए हम लोगों ने थर्सडे पे पोस्टपोन किया उसे। तो कल मैं कलीम भाई और यासर भाई चले जाएंगे, जो काम अधूरा छोड़ा था हमने वो पूरा करने के लिए। तो चलो मिलते हैं कल आपसे, अभी तो हालत खराब है, खाना खाएंगे, एडिटिंग करेंगे, ब्लॉग डाल देंगे तो सवेरे 10 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ताला वीस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। कल तो बहुत मजा आने वाली है, बहुत ही ज्यादा।